एक जंगल था। दो हाथी चलते चलते एक पेड़ के पास पहुँचे और आपस में बात कर रहे थे कि इस पेड़ को अपन तोड़ देते हैं। पेड़ ने सारी बात सुन ली। पेड़ ने हाथी से बोला, क्या बात कर रहे हो, क्यों तोड़ने की बात कर रहे हो? हाथी बोले, हम दोनों में से कौन ताकतवर है वो देखने के लिए हम तुझे तोड़ेंगे। पेड़ पूरी तरह से घबरा गया। पेड़ बोला, मत तोड़ो मुझे, मत तोड़ो। पेड़ बोला, मैं तुम्हें मीठे मीठे फल खिलाऊंगा, हवा दूंगा और छाया दूंगा, मत तोड़ो मुझे। पेड़ ने थोड़ी देर मनाया और हाथी मान गए। फिर वो वहाँ से चले गए। कुछ दिनों बाद गर्मी का मौसम शुरू हो गया था। बहुत तेज धूप गिर रहा था। तभी वही दो हाथी वही झाड़ के पास से जा रहे थे। पेड़ बोला, हाथी भाई, क्यों परेशान लग रहे हो? हाथी ने बोला, बहुत धूप है, बहुत गर्मी लग रहा है, देखो ना चटका लग रहा है। पेड़ बोला, उसमें परेशानी की क्या बात है, आओ मेरे छांव के नीचे आ जाओ। और वो दोनों हाथी उस पेड़ के नीचे चले गए। उसमें से एक हाथी ने बोला, मुझे जोरों की भूख लगी है। पेड़ बोला, मेरे पत्ते खा लो और मेरे झाड़ पे फ्रूट भी लगे हैं, वो भी खा लो। उस हाथी ने पत्ते तोड़े और खाने लगा और उसकी भूख मिट गई। तभी वो हाथी को समझ में आ गया कि ये वही पेड़ है जो हम तोड़ने वाले थे, और वो दोनों दोस्त बन गए थे। और हाथी जब भी वहाँ से जाता था उस झाड़ के फ्रूट खा के जाता था, और पेड़ भी खुश था और हाथी भी खुश था। इस कहानी में मोरल ऑफ द स्टोरी, आप दूसरों की मदद करोगे तो दूसरा भी आपकी मदद करेगा। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो और मेरा चैनल सब्सक्राइब करो।